जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश के अंतर्गत आपके इंग्लिश ग्रामर से 8 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक की जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके काफी ज्यादा बार पूछे जाते हैं, यानी कि आपके पूछे ही जाते हैं, ज्यादा की क्या ही बात करें। तो यहां पर मैं आपको ये 8 टॉपिक जो है अच्छे तरीके समझाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको इनको कैसे सॉल्व करना। और देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में जो 8 टॉपिक है ये लगभग आपके 2-2 नंबर या आपका कोई टॉपिक 3 नंबर के लिए भी आ जाता है, तो यानी कुल मिलाकर 20 नंबर के आपके यहां पर लगभग ये पूछे जाते हैं। अब इनमें आपको मैं बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, सिंथेसिस हो गया, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और भी मतलब होमोफोन्स हो गए, आइडियम्स फ्रेजेस हो गए, एंटोनियम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। ये सभी टॉपिक को एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं, तो यार काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो इसलिए अंत तक जरूर से देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे आपका नंबर 1 टॉपिक जो कि है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें होता क्या है, देखिए इस प्रकार से आपका एक वाक्य रहता है, ठीक है। अब आपको यहां पर जो है कम समय में आपको मतलब अच्छी तरीके से इनको समझना है, क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यह क्वेश्चन पेपर है ना, यह आपका एक क्वेश्चन पेपर है जैसे, और डायरेक्ट आपके सामने आ जाता है। कई सारे बच्चों की यह प्रॉब्लम होती है जैसे इस प्रकार जो है क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे यह क्वेश्चन आपका 2 नंबर के लिए पूछ जाता है, जबकि यहां पर आपका क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको 2 वाक्य दिए रहेंगे, एक को आपको बदलना पड़ता है। इसी प्रकार से आपका यहां पर कंबाइंड जो कि यहां पर डायरेक्ट आपको चेंज करना पड़ता है, यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन से 2 नंबर का, इसके अलावा आपका यहां पर ये एक क्वेश्चन रहता है, यानी कि आपको इसको जो है डायरेक्ट चेंज करना पड़ता है 2 नंबर का। तो मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको वहां पर थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसी के ऊपर यह वीडियो आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टीचर सेड, ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या है कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा, और इसके अंदर क्या है डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है, यानी कि जो टीचर है उन्होंने क्या कहा कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। अब इसको क्या करना है आपको यहां पर चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो कैसे करेंगे देखिए यहां पर इसको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं होता इसमें, आपको मतलब वाक्यों को देखना पड़ता है कि वाक्य आपका सिंपल में है, इंट्रोगेटिव में है, या मतलब किस प्रकार का वाक्य है उसको आपको देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर बहुत ही देखिए सिंपल सा वाक्य का इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, तो यहां पर क्या है कि द टीचर सेड, यानी कि टीचर ने क्या कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो इसको आप लोग कैसे चेंज करेंगे, देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जो लिखा है उसको पहले उसी प्रकार से लिखिए, यानी कि द टीचर है तो लिखिए द टीचर, ठीक है, द टीचर, द टीचर। अब इसके बाद क्या है सैड है, तो सैड को आपको उसी प्रकार से लिख देना क्योंकि सिंपल सा है, तो यहां पर सैड लिख देंगे, और इसके बाद यहां पर कॉमा है और डबल इनवर्टेड कॉमा, इसको आपको जोड़ना पड़ता है इसमें, तो यहां पर क्या करना है आपको दैट का प्रयोग कर देना है, सिंपल सा दैट, और इसके बाद यहां पर क्या है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहां पर कर दीजिए ऑनेस्टी, ठीक है ऑनेस्टी, और इसके बाद क्या है इज द, और फिर क्या है बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहां पर चेंज, तो मतलब यहां पर हमने क्या किया इसको जो है दैट से हमने जोड़ दिया, तो मतलब सिंपल सा है ना, तो यानी कि द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि जो शिक्षक है उन्होंने क्या कहा कि ईमानदारी एक ईमान जो है अच्छा मतलब नीति है, अच्छी नीति है, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा वाक्य क्या कह रहा है कि आई सेड टू हिम आई विल गो, आई विल नॉट गो देयर, यानी कि मैंने क्या कहा उसे कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, ठीक है। आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो इसको देखिए चेंज करना है। अब यहां पर क्या है हमने उसे मतलब किसी से कहा है, तो इसको आपको यहां पर इनडायरेक्ट में चेंज कर देना है। तो यहां पर देखिए कैसे चेंज करेंगे, इसमें क्या करना है आपको यहां पर आई सेड है ना, तो सेड को क्या कर देना है इसमें टोल्ड में चेंज कर देना है, कि हमने जो है कहा है, तो यानी कि क्या करेंगे आई टोल्ड कर देंगे, तो यहां पर सेड को क्या किया हमने टोल्ड में चेंज कर दिया, आई टोल्ड, ठीक है आई टोल्ड। एंड इसके बाद क्या है यहां पर टू हिम, तो यानी कि टू शब्द है, तो इसको हमने टोल्ड में जब चेंज किया तो यहां पर हो जाएगा आपका आई टोल्ड हिम, और यहां पर क्या होगा जो आपका कॉमा है इसकी जगह पर आपको क्या कर देना है दैट शब्द का प्रयोग होगा, यानी कि दैट क्योंकि जोड़ रहे हैं इसमें दैट। अब इसके बाद क्या है कि आई विल नॉट गो देयर, तो बिल को आपको किस में चेंज करना होता है, तो यहां पर वुड में चेंज हो जाएगा, यानी आई हो जाएगा और बिल आपका वुड में चेंज हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यू ओ यू एल डी, ठीक है आई वुड, और इसके बाद क्या है नॉट गो देयर, यानी कि हो जाएगा नॉट गो देयर, ठीक है नॉट गो, और इसके बाद क्या है देयर, तो यहां पर देयर कर देना है,
दिया, ठीक है। और इसके बाद आपको एक शब्द इसमें और जोड़ना है, क्या जोड़ना है, तो यहां पर जोड़ना है कि मैं, देखिए क्या कह रहा था आपको कि मैंने उससे कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो यहां पर आपको क्या कर देना है, दियर के बाद आपको जोड़ देना है नेक्स्ट डे, यानी कि यहां पर क्या जुड़ेगा आपका, नेक्स्ट डे जोड़ देना है आपको, डी ए वाई। तो इतना सा आपको इस प्रकार से कर देना है, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार से यहां पर कन्वर्ट, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपको यहां पर नरेशन में ऐसा ही करने के लिए आ जाता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आप अगर आपको वहां पर नहीं आ रहा है थोड़ी सी समझ में, तो आप देखिए छोड़ कर मत आइए, ध्यान दीजिएगा, आप कुछ ना कुछ वहां पर करना जरूर है ना, चाहे आप दैट का प्रयोग ही करके चले आए, चाहे कुछ भी करें, मतलब कि आपको वहां पर जैसे इनवर्टेड कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा के बीच में अगर जोड़ने के लिए आ रहा है, तो आपको वहां पर कुछ ना कुछ प्रयोग कर देना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना होता है। इसके बाद यहां पर बात करते, देखिए मैं समझा रहा हूं कि आपको इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में करना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सिंथेसिस, जो कि होता है संश्लेषण, इसे क्या बोलते हैं, संश्लेषण बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है यहां पर, पहला देखिए, कह रहा है कि रीता फाउंड हर पेन द वाज लॉस्ट, मतलब यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रीता फाउंड हर पेन, रीता ने अपना पेन जो है पाया जो कि उसने खो दिया था। तो यहां पर मतलब कि एक प्रकार से ये आपका अलग अलग वाक्य, मतलब रीता को उसका पेन मिल गया और जो कि उसने खोया था, तो आपको यानी कि खोया शब्द अलग हो गया और जो है मिल गया पेन ये अलग हो गया, तो दोनों को मिलाकर आपको मिक्स कर देना है वाक्य को पूरा एकदम संश्लेषित, मतलब संश्लेषण का मतलब यही है कि इसको मिला देना है, एक वाक्य बना देना। जैसे कि यहां पर आपका अलग काम अलग है ना, तो रीता फाउंड हर पेन यानी इतना अलग है, और इसके बाद है द वाज वाज लॉस्ट, ये आपका अलग है, दोनों को मिलाकर एक वाक्य बनाना है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, तो यहां पर आपको लिखना है रीता, ठीक है, रीता तो एक नाम है, तो रीता, और इसके बाद क्या है फाउंड, तो यानी कि फाउंड या फो यू एन डी, फाउंड के बाद क्या करना है हर, हर के बाद यहां पर देखिए हर पेन द वाज लॉस्ट, यानी कि आपको यहां पर क्या कर देना है हर लॉस्ट पेन, यानी कि रीता को उसका खोया हुआ पेन मिल गया, तो यानी कि हर और इसके बाद क्या है लॉस्ट और यहां पर क्या है पेन। तो यहां पर वाक्य क्या कर रहा था पहले कि रीता को मतलब रीता फाउंड हर पेन, रीता को उसका पेन मिल गया जो उसने खो दिया था, ये आपका वाक्य कह रहा था, और इसको हमने क्या किया तो लिख दिया कि रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन, यानी कि रीता को खोया हुआ पेन उसका मिल गया। तो देखिए इस प्रकार थोड़ा सा चेंज हमने किया, बस यहां पर एक वाक्य बन गया। इसका दूसरा देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि सी इज वेरी क्लेवर, ठीक है, वह बहुत चतुर है, नो बॉडी कैन बी फूल हर, यानी कि उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, वह बहुत चतुर है, ये आपका है। तो इसको इसी प्रकार से मिक्स करके एक कर देना है, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर लिखेंगे सी इज वेरी क्लेवर, यानी कि लिखेंगे सी, ठीक है, सी तो आपका उसी प्रकार से है, सी इज है ना, यहां पर इज है, तो अब देखिए यहां पर वेरी क्लेवर शब्द है, तो क्या करेंगे यहां पर वेरी की जगह पर आपको टू यानी कि टी डबल ओ इस शब्द को उपयोग कर देना, सी इज वेरी, यहां पर C is to करने के बाद very की जगह पर आपको ये शब्द लिख देना, और यहां पर क्या है clever, तो clever तो आपका वही रहेगा, तो clever आपका दीजिए C L E V E R clever, और इसके बाद क्या है यहां पर comma, यानी कि अलग वाक्य ये है और इसी प्रकार से अलग एक वाक्य ये है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आपको कर देना है to be है ना, इसको जोड़ दिए, तो clever to be, और इसके बाद क्या है fool, fool शब्द को आपको क्या कर देना है यहां पर, मतलब उसे कोई जो है बेवकूफ नहीं बना सकता, मतलब यहां पर कर देना है यहां पर double O L E D fooled, और इसके बाद by anybody, एनी बॉडी, अभी देखिए इसका क्या मतलब है, एनी बॉडी यानी ए एन वाई है, ठीक है, ये वाई है, एनी बॉडी मतलब यहां पर देखिए कह रहा है यहां पर वाक कह रहा था कि वह बहुत चतुर है, उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, तो हमने क्या किया सी इज टू क्लेवर टू बी फूलेड बाई एनी बॉडी, यानी कि वह चतुर है, उसे किसी उसके मतलब उसके उसे जो है किसी के द्वारा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। ये मतलब वाक का देखिए अर्थ नहीं बदला, सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा हमने इसमें चेंज कर दिया है बस। तो ये आपका सिंथेसिस इस प्रकार से करना होता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो तीसरा आपका यहां पर है ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है परिवर्तन। अब इसमें आपका वाक्य रहेगा और उसके सामने लिखा रहेगा जिसमें भी आपको चेंज करना होगा। जैसे आपका एक वाक्य है कि वी ईट सो दैट, ठीक है, वी ईट सो दैट वी मे लिव, इसको करना है सिंपल सेंटेंस में आपको चेंज, मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम खाते हैं ताकि हम जीवित रहें, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम जीवित रहने के लिए खाते हैं, या समझ लीजिए हम खाते इसलिए ताकि कि हम जीवित रहें। तो इसको देखिए क्या करना है आपको, यहां पर इसको चेंज कर देना है वी ईट टू लिव, यानी कि यहां पर सिंपल सा चेंज करना, कुछ भी नहीं करना, यहां पर आपको इसको देखिए कर देना है वी है ना, वी आपका है तो वी कर दीजिए, वी इसके बाद क्या है ईट, वी ईट और इसके बाद क्या है सो दैट वी मे लिव, यानी कि इसको कर देना है वी ईट टू लिव, यानी कि हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। तो ये इतना सा आपको सिंपल से चेंज कर दिया है ना। इसके बाद देखिए
नेक्स्ट आपका क्या है, डू इट एट वंस, यानी कि ऐसे एक बार में करो। वाक्य क्या कह रहा है, डू इट एट वंस, यानी इसे एक बार में करो। तो ये आपको इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो अब इसी प्रकार से देखिए ट्रांसफार्मर में आपके वाक्य, ट्रांसफॉर्मेशन में सॉरी, आपके इसी प्रकार से वाक्य आएंगे, ठीक है। तो मतलब आपको इसको जो है इस प्रकार से चेंज करना है, डायरेक्ट आपके सामने लिखा रहेगा वाक्य के कि आपको किस में चेंज करना है। तो कह रहा है कि डू इट एट वंस, यानी इसे एक बार में करो। तो क्या करेंगे, इसको चेंज कर देना है गेट, है, यानी कि आपको लिखना गेट, और इसके बाद क्या लिखेंगे, तो गेट इज, यानी कि डू इट एट वंस, इसे एक बार में करो। तो लिखेंगे गेट इज, गेट इज डन, डन मतलब करना, ठीक है, करना मतलब पूर्ण रूप से। आपका ये थर्ड फॉर्म हो गया डन इट वंस, ठीक है, वंस ये आपका हो गया ओ एन सी ई, ठीक है, ओ एन सी ई। तो ये आपका इस प्रकार से पैसिव में चेंज हो गया है ना, इसको पैसिव में हमने चेंज कर दिया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को आपको इस प्रकार से करना, सिंथेसिस भी आपने समझ लिया और आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को भी समझ लिया। इसके बाद चौथा टॉपिक देखिए आता है आपका सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, वाक्य विन्यास, है ना, वाक्य विन्यास। तो इसमें देखिए क्या करना होता है, इसको भी मैं आपको बता देता हूं बहुत ही आसान तरीके से, कुछ ज्यादा इसमें खास नहीं। जैसे कह रहा आपका पहला कि आई हैव रिसीव योर लेटर एस्टरडे, मतलब यहां पर आपका वाक्य कह रहा है कि मुझे तुम्हारा पत्र कल मिला, ठीक है। वाक्य क्या कह रहा है कि आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, मुझे तुम्हारा पत्र कल मिला, एस्टरडे, है ना। तो इसको क्या करना है, वाक्य विन्यास, इसको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा यहां पर चेंज आएगा। जैसे यहां पर क्या है, आई हैव, तो लिखेंगे इसको आई, और यहाँ क्या हैव है, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर एस्टरडे, मुझे तुम्हारा पत्र कल मिला। तो यहाँ पर हैव शब्द आया है। अब इसमें क्या करना है आपको, मतलब देखिए पत्र तो है, मिल चुका है ना, पत्र क्या है, मिल चुका है, तो मतलब पूर्ण रूप से मिल चुका है, इसलिए क्या करेंगे, हैव की जगह पर आप लोग हैड का प्रयोग कर देंगे। तो आई हैड, और इसके बाद पूरा वाक्य आपको उसी प्रकार से उतार देना, कुछ चेंज नहीं होगा। तो आर ई और सी ई आई वी ई डी रिसीव्ड, और इसके बाद क्या है, योर, योर, और इसके बाद एल लेटर, ठीक है, लेटर, और क्या है, एस्टरडे, वाई ई एस टी ई आर डी ए वाई। तो मतलब आई हैड रिसीव्ड योर लेटर एस्टरडे। तो इस प्रकार से आपका ये चेंज हो गया, सिंटैक्स आपका हो गया। इसके बाद क्या है, सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ, मतलब जो सूरज है वह हमें क्या देता है, प्रकाश देता है और जीवन देता है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, यहां पर आपको इसको किस प्रकार से लिखना है, तो लिखेंगे यहां पर इसमें क्या है, सन, तो आपको पहले इसमें क्या लगा देना है, द लगा देना है। तो यहां पर लगाएंगे द, और इसके बाद क्या है, सन, तो सन लिख दीजिए द सन, और इसके बाद क्या है, गिव्स, तो इसका आपको उसी प्रकार से उतार देना है, जी आई V S gives, ठीक है। इसके बाद क्या है, as light and life, तो मतलब यहां पर लिखेंगे gives us, और इसके बाद क्या है, light, यानी कि हमें प्रकाश देता है light, और इसके बाद क्या है, as well life, इनके यानी कि इसका क्या मतलब है, well as life, मतलब यहां पर देखिए ये वाक्य कह रहा था कि सन गिव अस लाइट एंड लाइफ, है ना, जो सूर्य है वह हमें प्रकाश और जीवन देता है। तो इसके बाद यहां पर हमने लिखा कि द सन गिव अस लाइट एंड विल लाइफ, मतलब सूर्य जो है हमें वह प्रकाश देता है और बहुत ही अच्छा जीवन भी देता है, क्योंकि प्रकाश के बगैर क्या होता है, अगर सूर्य ना हो तो मतलब जीवन क्या होता है, एक प्रकार से बेकार है। तो इस प्रकार से हमने जो है इसको सिंटैक्स को समझा। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, इसका मतलब होता है मुहावरे और वाक्यांश, या आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे मुहावरे, लोकोक्ति, ये सारी चीजें इस प्रकार से पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसको देखिए क्या करना, आपका एक वाक्य इस प्रकार से रहेगा और उसको आपको जो है चेंज करना होता है, यानी कि मुहावरे के रूप में आपको यहां पर बताना होता है ना। तो इसमें देखिए क्या होता है, यहां पर कह रहा है कि ए बेड ऑफ रोजेस, इसका मतलब है फूलों की सेज। तो मुहावरे का आप लोग जो हिंदी में जैसे पढ़ते हैं तो क्या करते हैं आप लोग, उसमें जो है आप लोग इसको जो है अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं और उसका अर्थ लिखते हैं। तो अर्थ तो हमारा होगा कि फूलों की सेज, अब इसको वाक्य में कैसे कन्वर्ट करके लिखना, तो लिखेंगे कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। अपना देखिए आप कोई सा भी वाक्य ले सकते हैं, अगर आपके दिमाग में कोई अन्य वाक्य आ रहा है तो आप उसको बना दीजिए, बस आपको इसको बीच में सटाकर रख देना, जैसे हमने क्या लिखा, तो मतलब उसका अर्थ निकालना चाहिए। तो हमने लिखा कि लाइफ, है ना, लाइफ, लाइफ इज, ठीक है, इज नॉट, और इसके बाद क्या है, ए बेड ऑफ रोजेस, ठीक है, बेड ऑफ रोजेस। तो यहां पर हमने क्या किया, ए बेड ऑफ रोजेस, इस वाक्य को हमने एक वाक्य बनाकर पूरा शिफ्ट कर दिया, मतलब यहां पर इसका अर्थ निकला कि जीवन एक फूलों की सेज नहीं है। पहला क्या था, ए बेड ऑफ रोजेस मतलब फूलों की सेज, तो हमने क्या किया, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, मतलब इसको यहां पर क्या किया, एक वाक्य के रूप में शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब ये होता है, जैसे हिंदी में आप क्या करते हैं, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करिए, तो उसी टाइप से ये भी है। तो हमने लिख दिया कि जीवन एक फूलों की सेज नहीं है, मतलब कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, इसको हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया।
इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, होता है आपका आइडियम्स एंड फ्रेजेस के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका एट द इलेवंथ आवर्स, मतलब इसका होता है अंतिम समय पर, ठीक है। इलेवंथ आवर्स मतलब कि देखिए 12 घंटे की बात करें तो उसमें आपका इलेवंथ आवर यानी कि आपका अंतिम समय में एक प्रकार से यहां पर बोल सकते हैं कि अंतिम समय। तो इसका क्या मतलब होता है, तो यहां पर इसका भी आपको वाक्य में प्रयोग करना। तो इसको हम लोग यहां पर देखिए कैसे करते हैं, थोड़ा समझिएगा। हम लिखेंगे कि वी प्लैनेट, देखिए यहां पर वाक्य आप लोग अपने अनुसार से प्रयोग कर सकते हैं, इसकी कोई ये मतलब एक प्रकार से यहां पर निर्धारित ये वो नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं आप वही करें। आपके माइंड में कुछ आ रहा है तो आप उसको करिए, ठीक है। आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। तो यहां पर है वी और इसके बाद क्या है प्लैनेट, ठीक है। प्लैनेट वी प्लैनेट ए पिकनिक, ठीक है। पिकनिक एन आई सी पिकनिक एट और यहां पर क्या है द इलेवंथ, द इलेवंथ ई एल ई वी ई एन टी एच इलेवंथ आवर। इसका क्या मतलब है समझिए थोड़ा सा, यानी कि आपका ये कह रहा है कि एट द इलेवंथ आवर्स, क्वेश्चन ये कह रहा है मतलब अंतिम समय पर। तो यहां पर हमने लिखा कि वी प्लैनेट ए पिकनिक एट द इलेवंथ आवर्स, यानी हमने एक योजना बनाई या प्लैनेट का मतलब क्या है प्लान किया या योजना बनाई किसका पिकनिक में जाने का, किस करिए तो अंतिम 11वें घंटे में हमने जो है प्लान कर लिया, मतलब पूरा जो समय चला गया उसमें हमने नहीं कुछ किया, हमने अंतिम समय पर क्या किया एक प्लान बना लिया जो कि क्या था पिकनिक में जाने का। तो मतलब इसको हमने एक वाक्य के रूप में कन्वर्ट करके लिख दिया। तो देखिए काफी सिंपल है। इसके बाद देखिए छठवां टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका आपका ये होता है कि आपका अनेक शब्दों के लिए कोई एक शब्द दे देना है। जैसे आपका पहला है एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस, मतलब कहीं पर सरकार की अनुपस्थिति क्या कहलाती है, एक शब्द में इसे क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों अराजकता, हिंदी में बोलते हैं अराजकता। मतलब कहीं पर अगर सरकार नहीं है या कोई शासन नहीं है, शासन की अनुपस्थिति होती है तो उसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं अराजकता या इसे इंग्लिश में बोलेंगे एनआरजी, ठीक है। तो यहां पर इसका हो जाएगा ए एन ए आर सी एच वाई, इसे बोलते हैं एनआरजी या इसे हिंदी में बोलेंगे अराजकता। मतलब कहीं पर अगर शासन नहीं है, कोई शासन का कोई कानून नहीं है, शासन की अनुपस्थिति, तो उसे वहां पर बोलेंगे अराजकता या एनआरजी, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा है आपका वन हु बिलीव इन फेट, मतलब ऐसे जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं भाग्यवादी बोलते हैं। तो मतलब इसका हो जाएगा फेटालिस्ट यानी कि एफ ए टी ए एल आई एस टी, है ना। तो जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करता है उसे फेटालिस्ट बोलते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा वन हु डज नॉट ईट मीट, मतलब जो क्या होता है मीट नहीं खाता, मतलब कि मीट क्या है प्रकार से मांस। तो यहां पर आप समझ सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं शाकाहारी, मतलब जो मांसाहारी नहीं होगा, जो व्यक्ति नहीं खाता उसे क्या बोलते हैं शाकाहारी बोलते हैं। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वेजिटेरियन बोलते हैं। तो यहां पर आपका इसका क्या हो जाएगा वेजिटेरियन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाक्य है दोस्तों ये, ठीक है। तो वेजिटेरियन यानी कि वी ई जी ई टी ए आर आई ए एन, ठीक है, वेजिटेरियन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका ए प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट, यानी कि उस स्थान को क्या बोलते हैं जहां पर बॉडी यानी कि एक प्रकार से मृत शरीरों को रखा जाता है, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए उसको क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं दोस्तों यहां पर मॉर्चरी, ठीक है, यानी कि आपका कहलाता है स्वग्रह, हिंदी में बोलते हैं स्वग्रह, ठीक है। तो यानी कि आपका हो जाएगा मॉर्चरी एम ओ आर टी यू ए आर वाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका वन हु इज पावरफुल, यानी कि जो एक प्रकार से शक्तिमान होता है उसे क्या बोलते हैं, जो मतलब बहुत ज्यादा शक्ति होती है उसके पास, उसे बोलते हैं सर्वशक्तिमान, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ ईश्वर ही है सर्वशक्तिमान, तो इसका हो जाएगा ओमनिसेंट, यानी कि ओ एम एन आई पी ओ टी ई एन टी, ठीक है। तो यहां पर उसे क्या बोलते हैं ओमनि प्रिंट, तो ये आपका हो जाएगा सर्वशक्तिमान के लिए आपका। इस प्रकार से ये क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और हैं जो कि आपका आता है सातवें नंबर पर होमोफोन्स। होमोफोन्स का क्या मतलब है ये भी समझिए, क्योंकि यार पूरा समाप्त करेंगे आप आज जो है ग्रामर को, इसी प्रकार से आपको करना। नेक्स्ट और दो चार वीडियो में आपको ला दूंगा जिसमें आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो होमोफोन्स मतलब यहाँ पर क्या होता है, इनका वाक्य जो है वाक्य का जो मतलब एक प्रकार से उच्चारण होता है वो हमारा सेम होता है। जैसे यहाँ पर एक आपका है ब्रेक मतलब तोड़ना, और ये भी ब्रेक है लेकिन इनमें मीनिंग में फर्क है, ठीक है। ब्रेक ब्रेक, तो यहां पर एक ब्रेक का मतलब है जो आपका ब्रेक जो है वाहनों में होता है, और एक ब्रेक का मतलब है तोड़ना। तो इसको वाक्य में जैसे प्रयोग कर हम करें तो क्या है ही ब्रेक्स द रूल्स, मतलब यहां पर तोड़ने का मतलब क्या है, मतलब कुछ चीजें हम तोड़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे तोड़ना। जैसे कि ही ब्रेक्स द रूल्स, मतलब उसने नियम को तोड़ा।
और इस ब्रेक का मतलब यहाँ पर है कि द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक, मतलब जो चालक है उसने ब्रेक लगाया, तो मतलब दोनों में फर्क है। ये होता है होमोफोन्स। इसके बाद है करियर। करियर का मतलब वाहक होता है, और एक करियर का मतलब होता है पेशा, जो कि हमारे जैसे बोलते हैं कि यार करियर बना लो, पढ़ाई कर लो, ऐसी चीजें। तो ये आपका मतलब दोनों का देखिए उच्चारण सेम आ रहा है। इसी प्रकार से डिसेंट, डिसेंट इसका मतलब होता है सुंदर, मीनिंग में फर्क है ना, डी ई सी ई एन टी है, और इसमें क्या है डी आई डबल एस ई एन टी है। तो डिसेंट मतलब सुंदर और डिसेंट का मतलब असहमति। इसी प्रकार से सेल का मतलब होता है कोशिश, और एक सेल का मतलब होता है बेचना। तो ये चीजें होती हैं। इसके बाद हमारा आठवां टॉपिक क्या है, देखिए नंबर 8 है आपका एंटोनियम्स, जिसे बोलते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द में देखिए पहला आपका है एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आधुनिक। आधुनिक का मतलब यहां पर बोल सकते हैं मॉडर्न, है ना, तो इसका हो जाएगा एम ओ डी ई आर एन, मॉडर्न, ठीक है। तो ये हो जाएगा मॉडर्न एंशियंट का। इसके बाद है बोन। बोन का मतलब होता है वरदान, तो इसका मतलब होता है हो जाएगा आपका साप, यानी इसे बोल सकते हैं कर्स, सी यू आर एस ई, तो कर्स बोल सकते हैं आप लोग। इसके बाद देखिए बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर, जैसे कोई जमीन, जैसे कोई जमीन बंजर है, वहां पर कुछ उपज नहीं होती है, कुछ पैदावार नहीं होती, उसे बोलते हैं बंजर। तो इसका हो जाएगा आपका फर्टाइल, यानी कि उपजाऊ, ठीक है। तो एफ ई आर टी आई एल ई, इसे बोल देंगे आप लोग फर्टाइल, है ना। इसके बाद आपका यहां पर फोर्थ नंबर करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट, तो करप्ट का मतलब भ्रष्ट है, तो यहां पर आपका हो जाएगा इसका ईमानदार, यानी कि उल्टा, यानी कि अपोजिट क्या हो जाएगा एंटोनिम्स इसका, ईमानदार यानी कि ऑनेस्ट बोल सकते हैं आप लोग। तो एच ओ एन ई एस टी यानी ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी बोल सकते हैं आप लोग कुल मिलाकर। इसके बाद डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा, और इसका आपका हो जाएगा निकासी, यानी कि विथड्रॉ, ठीक है। तो डब्ल्यू आई टी एच डी आर ए डब्ल्यू एल, विथड्रॉल। तो इस प्रकार से ये 8 टॉपिक थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण, और जितने वाक्य मैंने आपको बताए रिपीटेड हैं। तो चलिए उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको इसी प्रकार से 3 से 4 वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि आपको यहां पर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।